जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छी होंगे, मज़े में होंगे। अब हो रहा है सुबह का टाइम और मैं नहा धो लिया है और यहाँ दीदी के बेटा जो है फूल तोड़ के मुझे दे गया है पूजा के लिए। और यहाँ मैं कर रही हूँ घी गरम, क्योंकि घी ख़त्म हो गया है और बत्ती जो बना के मैं रखती हूँ डिब्बे में उसमें मैं घी भर के रखती हूँ। तो घी गरम किया मैंने और फिर मैंने ये बर्तन साफ़ किए, बर्तन जो बहुत मतलब गंदे से हो जाते हैं ये बर्तन तांबे के, और उसमें थल के पानी छींटे पड़ता है ना तब भी उसमें मतलब काले काले से देखने लगते हैं। देखिए मेरे बर्तन कितने साफ़ हो गए, और मेरे बर्तन हो चुके हैं साफ़। और अब मैं जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाने, यानी वो सो रहे हैं, पहले तो मैं उनको उठाऊँगी। तो यहाँ मैं पहले हल्का सा साफ़ कर देती हूँ, और साफ़ करने की जो टॉवल है मैंने अलग कर रखी है उसी से मैं साफ़ करती हूँ, फिर मैं उसको धुल देती हूँ। तो यहाँ मैंने साफ़ कर लिया है, अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठा रही हूँ। तो अभी तो मज़े से सो रहे हैं, तो यहाँ उनको मैं उठा रही हूँ और इसके बाद में फिर मैं उनको स्नान करवाऊँगी। तो यहाँ देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी उठ चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ उनको स्नान करवाने। और यहाँ मैंने लोटे में तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं और यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी देखिए कितने मज़े से कर रहे हैं स्नान, बढ़िया आराम से बैठ के देखिए। और इसके बाद मैं इनको मैं टॉवल से पोछ रही हूँ और पोछने के बाद में फिर मैं इनकी ड्रेस पहनाऊँगी। तो यहाँ मैंने इनको बहुत अच्छे से पोछ दिया है और यहाँ मैं पहना रही हूँ इनकी ड्रेस। तो यहाँ देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी बस अभी थोड़ी देर में तैयार होने वाले हैं। देखिए यहाँ इनकी पहना दी है मैं ड्रेस। यहाँ मेरी हो रही है पूजा, और जानते हैं जब मैं पूजा करती हूँ ना तो शिवांशी कहीं भी होती है बहुत जल्दी आती है, मुझे बहुत शौक़ है पूजा में आने का। तो यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ आरती, संग में ताली बजा रही है, और सच में इसकी बातें सुन के ना तो कुछ देर के लिए तो एकदम मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो आप लोग भी सुन लीजिए इसकी बातें। हाँ फ्रेंड्स, हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन इसकी शुरुआत भजन कीर्तन के साथ होना तो हमारा दिन और भी बेहतर जाता है, हमारे अंदर ना एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। तो जी हाँ, आज मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि इंडिया का बना पहला एक ऐसा ऐप है जहाँ अपने इष्ट देव आराध्य देव की पूजा आप घर बैठे कर सकते हैं, उनके मंत्र और चालीसा सुन सकते हैं, दिए भी जला सकते हैं। और यहाँ ना आपको बहुत सारे मंत्र और चालीसा मिल जाएंगी जिनको सुन के आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और यहाँ पर ना बहुत सारा पुराणों का कलेक्शन मिल जाएगा, जैसे महाभारत है, रामायण है, इन सब का कलेक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। और अगर आप अपने आप को लो फील महसूस करते हैं ना रात को, तो आपको बहुत सारे से मंत्र और चालीसा मिल जाएंगे जिनको सुनकर आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। और हाँ, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम पंचांगी ढूंढते हैं, तो यहाँ आपको पंचांग भी मिल जाएगा। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके श्री मंदिर ऐप की लिंक डाउनलोड करके घर बैठे आप अपने इष्ट देव आराध्य देव की पूजा कर सकते हैं और मंत्र और चालीसा सुन सकते हैं। और भी कपड़े थे, मैंने सारे इकट्ठे धुल दिए हैं, वैसे मैं पर्दे धुल देती हूँ लेकिन वहाँ जो फैले हुए थे कपड़े ना, तो दो तीन मुझसे ही निकालते समय हाथ से नीचे गिर गए, तो मैंने सारे कपड़े धुले हैं। और इन कपड़ों को मैं अंदर ही खिड़की में डाल देती हूँ, क्योंकि बाहर ना उड़ने का भी डर रहता है, क्योंकि छोटे छोटे तो वैसे भी होते हैं, तो मैं खिड़की में ही डाल देती हूँ, तो ये आराम से सूख जाते मेरे सारे कपड़े। तो यहाँ मेरे फैले हैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े। और अब मैं यहाँ बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो यहाँ भाभी मुझसे कुछ बोल रही थी तो बस मैं वही बात करती जा रही थी, और यहाँ मैं बना रही हूँ। तो आज मैं भूख लगाऊंगी सूजी के हलवे का, तो मेरा यहाँ बन रहा है।
और मेरा हलवा बनके हो गया है रेडी। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को हलवा ठंडा करके भोग लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने हलवा ठंडा कर लिया है और यहाँ मैंने लगा दिया है भोग। कहाँ और अब हो रहा है शाम का टाइम और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम बादल हो रहे हैं। तो भाभी छत में टहल रही थी, उन्हें ठीक लग रहा था और मैं यहाँ चारपाई में लेटी हुई थी तो हमारी बात भी चल रही है। टहल रही हैं तो वही बोल रही थी कि बारिश में नहाने का मन हो, सामान उठाने में भीग जाती है। शुरुआत में जब जैसे बहुत तेज गर्मी रही पर जब बारिश का एकदम से मौसम आया, बारिश हुई तो जानबूझ के खड़े हो जाओ, जानबूझ के कुछ काम हम करने लगता कि पूरी भीग जाओ फिर कपड़े बदल लो। और आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ आलू परवल की सब्जी। तो यहाँ मैं पीस रही हूँ लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट बना रही हूँ और इसके बाद में मैं सब्जी बनाऊँगी। तो सब्जी मैं आज इस तरीके से बना रही हूँ कि सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं बड़े बड़े पीस किए हुए थे, भाभी ने काटे थे तो मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं और उनको मैं तेल में अब कर रही हूँ फ्राई, एकदम सुनहरा होने तक भूनना है। और जब थोड़ा थोड़ा ये फ्राई होने लगेंगे तब इसमें मैं आलू भी डाल दूँगी। तो यहाँ जो मैंने आलू काट के धुल के रखे हैं वो आलू भी मैंने इसमें डाल दिए और इनको ब्राउन होने तक मैं कर रही हूँ फ्राई। और यहाँ देखिए मेरे फ्राई हो गए हैं आलू परवल और मैं इनको निकाल लेती हूँ और इसी कढ़ाई में हल्का सा तेल और डाल के मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जो हरी मिर्च काट के रखी है वो मैं कर रही हूँ फ्राई और जो मैंने पेस्ट बनाया है वो मैंने पेस्ट भी डाल दिया और यहाँ मैं अच्छे से इनको भून रही हूँ। और इसी में मैंने सारे सूखे मसाले डाल दिए पिसे हुए जो नॉर्मल हम सब्जी में डालते हैं। और यहाँ मेरे मसाले पक रहे हैं और जो मैंने टमाटर काट के रखे हैं पीस में ही काट के रखे, मैंने पीसा नहीं है, इसमें इसी तरीके से टमाटर अच्छे लगते हैं सब्जी में तो वो मैंने डाल दिए हैं और हल्का सा पानी डाल दिया है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक सब्जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जी थोड़ी ही है। तो यहाँ सबको अच्छे से मैंने पका लिया और जो मैंने फ्राई करके रखा था वो भी डाल दिया और पानी डाल के ढक दिया था। तो देखिए मेरी सब्जी बनके हो गई रेडी। ये यहाँ शिवांशी राधा बनने की जिद कर रही होगी तो उनके फूफा जी ने कैसे उसको उड़ा के तैयार कर दिया, मेरा ब्लाउज पीस मिल गया कहीं। और ऊपर दीदी बैठी हुई थी तो उनको दिखाने गई है, फिर गुस्से की वजह से फेंक दिया, सबने हंस दिया। तो सच में बहुत ही नोटी है, यहाँ हमारी दीदी की चल रही हैं बातें, वही शिवांशी के बारे में बात हो रही, बोल रही थी। सच में बिल्कुल भी नहीं झिझक है इसके अंदर, नीचे आ जाती है, हमारा बहुत टाइम पास करती है और जो भी खाना होता है ना तो मुँह से करके मांग लेती है कि बुआ जी मुझे यह चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। सच में बच्चे बोले ऐसे ही अच्छे लगते हैं कि कम से कम झिझकती नहीं है। और यहाँ देखिए सारे कपड़े डोरी में पड़े हुए हैं क्योंकि बाहर आ गई थी बारिश, तो किसी से नहीं अंडर डाल दिए हैं ताकि कुछ हवा लगेगी। दिमाग खावे सही रिमोट बंद हो गया बेटा, अब फिर सुबह चलेंगे अपन, ठीक है? हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं चलूंगी, सुबह चलूंगी पक्का, ठीक है? अब परेशान नहीं कर।
यहाँ पर देखिए सारे काम मेरे हो चुके हैं, बस अब सब लोगों के सोने जा रहे हैं। तो भाई पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुला दें, इसके बाद में सब सोने जाएंगे। तो यहाँ मैं उनका बिस्तर अच्छे से साफ कर रही हूँ झड़ा करके, और यहाँ मैंने लगा दिए हैं तकिए, और अब हमारे लड्डू गोपाल जी जा रहे हैं सोने। तो भाई इनका श्रृंगार तो सब मैं निकाल देती हूँ, जैसे माला पगड़ी ये सब हटा करके इसके बाद मैं सुलाती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं यहीं करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और हाँ, मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, ताकि मेरी वीडियोज़ कोई मिस ना हो। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।